एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल मॉम्स फनवे टीचिंग। आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ क्लास टू के बच्चों के लिए प्रोनाउन आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे और उसका रिवीजन आप कैसे कराएंगे, उसके साथ ही पढ़ाने के तरीके को और उसके साथ जो भी वर्कशीट की हेल्प से हम बच्चे को रिवीजन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, आज की वीडियो में मैं वो भी शेयर करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आए और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे को प्रोनाउन की डेफिनेशन बतानी है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोनाउन है, वर्ड्स जो प्रोनाउन है उनको भी बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है। देखिए, जहाँ जैसे मैंने लिए लिस्ट बनाया है, आप इस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। उसको डेली जब भी आप वर्कशीट दीजिए, साथ में इस चीज़ को दीजिए देखने के लिए। वो एक बार, दो बार, तीन बार देखेगा, उसके बाद उसको याद हो जाएगा कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन में आते हैं। तो जैसे ही है, शी है, इट है, वी है, हर है, देम, अस, हिम, दे, आई, यू, मी, ये सारे जो है प्रोनाउन वर्ड्स हैं। इन सभी को हम नाउन के स्थान पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ही और ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन हैं। उनमें से हम जो भी प्रोनाउन, अलग अलग प्रोनाउन को बताएंगे कौन सा प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जाता है। जैसे ही जो है, ही और हिम, यह हम मेल के लिए यूज करते हैं। अब बच्चे को पता होना चाहिए मेल का मतलब क्या होता है, कौन कौन से वर्ड्स आएंगे जिसको वो समझ पाएगा कि हम यहाँ पे ही का यूज करेंगे। मेल कौन कौन से होते हैं, जैसे बॉय है, मैन है, किसी मैन का नेम है राम, श्याम, कोई भी नेम हो सकता है, अंकल है, ये सब हम ये मेल के अंतर्गत आते हैं। अगर ये सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे हम ही या हिम का यूज करेंगे। ही का यूज कहाँ करेंगे, हिम का यूज कहाँ करेंगे, मेल के लिए करेंगे। ठीक है, शी और हर का यूज हम फीमेल के लिए करेंगे। फीमेल यानी जैसे गर्ल, वुमेन, सीता, आंट। ठीक है, इट का यूज हम प्लेस के लिए, बर्ड के लिए, एनिमल के लिए और थिंग के लिए यूज करेंगे। अब प्लेस कौन कौन सी जैसे हो सकते, कुछ एग्जांपल्स, जैसे आगरा है, टेंपल है, स्कूल है, कानपुर है। बर्ड में जैसे पिकॉक है, पैरेट है, स्पैरो है, कोई भी बर्ड का नेम दिया हुआ तो वहाँ पे हम इट का यूज़ करेंगे। एनिमल है जैसे टाइगर, लायन, काउ, डॉग, कैट, ये सारे क्या हैं, एनिमल्स हैं। थिंग्स में जैसे चेयर, टेबल, चॉक, डस्टर, पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ें हैं तो वहाँ पे ये थिंग कैटेगरी में आती हैं तो वहाँ पे हम इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई, मी, यू, वी, अस, दे और देम, ये हम बोथ यानी दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए हम इन सभी प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई अगर कहेंगे तो आई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मी मेल भी कह सकता है, फीमेल भी कह सकता है। इतने जो प्रोनाउन होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को प्रोनाउन समझने में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आइए देखते हैं कि जैसे हम नाउन पढ़ते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, उसी तरीके से प्रोनाउन भी होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ सिंगुलर नाउन। जो सिंगुलर नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होते हैं उनको हम सिंगुलर प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आई, ही, शी, इट, हिज, हर, ये क्या है, ये सारे सिंगुलर प्रोनाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मोना इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मोना एक पर्सन है, सिंगल पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोना की जगह हम शी का यूज करते हैं, तो शी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। उसी तरीके से प्लूरल प्रोनाउन क्या है, अ प्लूरल प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ प्लूरल नाउन। जो प्लूरल नाउन की जगह यूज किए जाते हैं यानी मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग, वहाँ पे हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन की जगह। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे वी, दे, अस, दे, देम, ये सारे क्या हैं, प्लूरल प्रोनाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर एंड आई वेंट टू अ पार्क। ठीक है ना, तो माई फादर एंड आई है तो इसकी जगह हम माई फादर एंड आई की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वी का यूज करेंगे। वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। आइए कुछ वर्कशीट देख लेते हैं जिसकी हेल्प से आप बच्चे को रिवीजन करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उसका टेस्ट ले सकते हैं। जैसे राइट द करेक्ट प्रोनाउन, राम, राम के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, राम के लिए हम ही का यूज करेंगे क्योंकि राम क्या है, मेल है। आंट है, आंट के लिए हम शी का यूज करेंगे। कार के लिए हम इट का यूज करेंगे क्योंकि ये थिंग है।
यू एन आई के लिए वी का यूज़ करेंगे, सीता एंड गीता के लिए हम दे का यूज़ करेंगे क्योंकि यह मोर देन वन है, ये थर्ड पर्सन है, तो इनके लिए हम वी का यूज़ नहीं करेंगे, इनके लिए हम दे का यूज़ करेंगे। गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी का यूज़ करेंगे। बॉय के लिए ही का यूज़ करेंगे। पैरेट है, यह क्या है, बर्ड है, तो यहाँ पे हम इट का यूज़ करेंगे। राम एंड आई, इसके लिए हम वी का यूज़ करेंगे। गौरी, गौरी ये गर्ल का नेम है, तो यहाँ पे हम शी का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से ट्री है, तो ट्री के लिए हम इट का यूज़ करेंगे। चेयर के लिए भी इट का यूज़ करेंगे। लायन के लिए भी इट का यूज़ करेंगे क्योंकि एनिमल है। मदर के लिए हम शी का यूज़ करेंगे क्योंकि यह मदर फीमेल है। स्वर्गशील देखते हैं, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ, सेंटेंस में जो प्रोनाउन वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है। वी वॉन्ट टू गो टू अ पिकनिक, इसमें प्रोनाउन क्या है, वी है। आई एम रीडिंग अ स्टोरी, आई क्या है, प्रोनाउन है। दे आर वॉटरिंग द प्लांट्स, दे क्या है, प्रोनाउन है। शी इज वॉशिंग हर हैंड्स, शी क्या है, प्रोनाउन है। ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही इज अ प्रोनाउन। इट इज बार्किंग, इट प्रोनाउन है। डू नॉट वेट फॉर देम, यहाँ पे देम भी प्रोनाउन है। यू आर गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, यू क्या है, ये भी प्रोनाउन है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए उनके लिए करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, यहाँ पे चूज करके इसको फिल करना है। मिस्टर थापा इज अ पुलिसमैन, डैश लिव्स इन काठमांडू। मिस्टर थापा क्या है, यह मेल है, मेल के लिए हम हमेशा ही का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। रितु इज अ टीवी आर्टिस्ट, डैश हैज अ वेरी स्वीट वॉइस। रितु क्या है, फीमेल है, फीमेल के लिए हम शी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे शी। उसी तरीके से वेयर इज देविका, आई एम वेटिंग फॉर डैश, यहाँ पे देविका के, यहाँ पे देविका के नीचे अंडरलाइन होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम वेटिंग फॉर, यहाँ पे शी हर हिम दिया है, तो हम किसका यूज, किसका वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए हम हर का यूज करेंगे, यहाँ पे शी का यूज नहीं करेंगे, शी जो होता है सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आई एम वेटिंग फॉर, यहाँ पे हर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हर। रवि एंड अनु आर गुड फ्रेंड्स, रवि एंड अनु आर गुड फ्रेंड्स, डैश आर नेबर्स एज वेल, यहाँ पे दे का यूज होगा क्योंकि ये दोनों थर्ड पर्सन है। हियर इज अ ब्यूटिफुल बैग, यू मे टेक डैश, यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करेंगे, बैग के लिए इट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है, अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड सर्कल द नाउंस फॉर विच दे स्टैंड। यहाँ पे जो प्रोनाउन है उनको अंडरलाइन करना है, जो नाउन है उसको सर्कल करना है, जो कि नाउन के लिए सुटेबल है। तो जू ही सेड दैट शी वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। तो इसमें जू ही क्या है, यह है जू ही नाउन है, तो सर्कल करेंगे, और शी जो है जू ही के लिए यूज किया गया प्रोनाउन, तो यहाँ पे शी के नीचे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नेहा क्या है, नाउन है, शी क्या है, प्रोनाउन। नेहा वॉज वेरी हैप्पी, शी हैड वॉन अ प्राइज। लुक एट द स्टार, इट इज शाइनिंग ब्राइटली। स्टार क्या है, नाउन है, और इट क्या है, यह है प्रोनाउन, तो हम प्रोनाउन में अंडरलाइन करेंगे। सुधा इज वेरी ऑनेस्ट, शी डज नॉट टेल लाइज। सुधा क्या है, यह है नाउन, और शी क्या है, प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन क्या है, नाउन है, और इट सेट्स इन द ईस्ट, कौन सेट हो रहा है, ईस्ट वेस्ट में, यहाँ पे वेस्ट लिखा है, तो इट क्या है, सन हो रहा है, तो इसके लिए हम इट को क्या करेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, सॉरी, तो हम इट के नीचे यहाँ अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इट क्या है, प्रोनाउन है। करण एंड गौतम विल नॉट कम, डू नॉट वेट फॉर देम। करण एंड गौतम क्या है, ये दोनों नाउन है। डू नॉट वेट फॉर देम, देम क्या है, प्रोनाउन है। ये रही आज की वीडियो, प्रोनाउन का टॉपिक क्लास सेकेंड क्लास के बच्चों के लिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई और थोड़ी भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में मेरे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।